मूवी देखते हुए बहुत बार ऐसा ख्याल आता है कि ये तो बहुत ही बेकार डायलॉग है। आज हम लोग ऐसे ही डायलॉग की बात करने वाले हैं, देखेंगे कौन से बॉलीवुड के ऐसे डायलॉग्स रहे हैं जो कि काफ़ी क्रिंची टाइप के रहे हैं और बहुत ज़्यादा वर्स रहे हैं, उसको जो है हम लोग आज देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग बताओ कि ऐसा कौन सा डायलॉग है जो कि आपको सबसे ज़्यादा बेकार लगता है किसी भी मूवी में। ये हम सबकी रियल लाइफ से थोड़ी अलग होती है। जैसे रियल लाइफ में हमारे बड़े घर नहीं होते, 2 मिनट में प्यार नहीं होता, या फिर पिटाई से पहले स्लोमो एंट्री का इंतजार नहीं होता। इसी लिस्ट में एक और चीज है डायलॉग्स, जो मूवी की सिचुएशंस को इम्पैक्टफुल बनाते हैं। पर कभी कभी ये लोग डायलॉग्स बनाते हुए सेंस और लॉजिक को निकल, पहली फुर्सत में निकल, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, पर जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अच्छा तो आप यूनिवर्सल सेट हो, तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। स्टाइल क्या मार रहे हो, जाके पहले बहुमूत्रता का इलाज करवाओ। मूत्र का असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में उत्पादन। मैं बदला नहीं लूंगा साया, मैं इंतकाम लूंगा। दोनों सेम नहीं हुए। मैं एयर होस्टेस नहीं बनूंगी, मैं व्योम बाला बनूंगी। मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा, मैं अभियांत्रिकी करूंगा। और हाँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं किंग कर्तव्य विमूढ हूँ। हाँ, और डायलॉग्स की बात हो रही है तो सलमान भाई को कैसे भूल सकते हैं। भाई के डायलॉग्स भी उनके डांस स्टेप की तरह यूनिक होते हैं। जिंदगी में तीन चीज कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई मी एंड माई सेल्फ। भले ही डायलॉग में कोई सेंस ना हो, बट भाई के फैंस तो इसे ही इंस्टा बायो में डालेंगे। पर हर किसी के डायलॉग इंस्टा बायो में नहीं डलते। मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। हाँ, पहले मैं बहुत सोचता था, फिर भाई के इस ब्रांड की स्पेलिंग के बाद मैंने सोचना छोड़ दिया। फ्रेश की स्पेलिंग सुनो, FRSH। मुझ पर एक एहसान करना। हाँ बोलो। कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। अच्छा ठीक है, नहीं करता, पर ये बोल के भी मैंने आप पे एक एहसान ही कर दिया जो कि आप पे नहीं करना था। पर जो नहीं करना था वो भी तो एक एहसान ही था। ओ माय गॉड, एहसान विरोधाभास। फैन हो गए भाई, फैन। एक सेल्फी भाई, एक सेल्फी। नाउ इन केस अगर स्कूल में कभी आपने बायोलॉजी क्लासेस मिस किए तो याद रखना कि कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। पर इससे भी बढ़िया, वी कैन नॉट रिवर्स द सीज्ड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आसान भाषा में, मरे हुए लोग वापस नहीं आते स्वयं। मैं मर जावा। ये सही है, अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ऑब्वियस से ऑब्वियस चीजें बोल दो। ऐसा ना हो जाए बिना, 2 गुना 3 से 4 नहीं आता, रविवार से पहले सोमवार नहीं आता। और कुछ डायलॉग्स में तो यही समझ नहीं आता कि बंदा बोलना क्या चाहता है। जैसे धड़कन मूवी में सुनील जी बताएंगे कि उन्होंने 50 रुपए से 500 करोड़ कैसे कमाए। कहती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था। हम समझ गए कि आप जॉगिंग करते थे, पर 500 करोड़ कैसे कमाए। जख्म भरते थे, लहू निकलता था, फिर गिरता था। अरे जिला अस्पताल के मरीज, मेन बात पे आओ, मेन बात। लेकिन तुम्हारी आवाज सूरज की किरणों की तरह मेरे दिल और दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी, एक कदम और देव, एक कदम और, फिर कदम से कदम मिला। अरे बस भाई, नहीं जानते बॉलीवुड के वरुण पृथ्वी से आज बहुत ज्ञान ले लिया। अब इस सीन में ये बंदा इसे जान से मारने वाला है, पर खुद को बचाने के लिए बोलता है कि मेरे को मत मार, मेरे को अपना भड़वा बना ले, मैं तेरे को लड़कियां सप्लाई करूंगा, तू मजे लेते रहना, तेरे को एड्स से बचाने के लिए निरोध बन जाऊंगा, टॉवल बनकर तेरी कमर से लपट जाऊंगा, मेरे को मत मार, और अगर मारना ही है तो मेरे को छील छाल के मेरा छक्का बना दे, मैं सारी लपट कर डांस करूंगा, गोरे गोरे गाल गाल, गोरे 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 गोरे। अबे क्या चल रहा है ये। अब इनके साथ अगर सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा है तो आप उसको रेफरेंस भी दे सकते हो। मैं तुझे ऐसा साफ करूंगा जैसे हजाम 2 बार साबुन लगा के दाढ़ी साफ करता है। मैं तेरे बाप की मुंडी इस तरह घसड़ घसड़ कर मारूंगा जैसे बंदर सांप को जमीन पर रगड़ रगड़ कर मारता है। जुर्म के शहंशाह से लड़ने की कोशिश मत कर, वरना तेरी हालत उस खटमल जैसी होगी जो खून पीने के लिए खटिया के खांचे से दिन में बाहर निकलता है। बॉलीवुड में डायलॉग डिलीवरी का एक और तरीका है जिसे हम रियल लाइफ में कभी यूज नहीं करते, राइमिंग। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। ओ तो फाइनली कटरीना को जिनकी तलाश थी वो मिल गए। लगता हूँ खुल्ला, मेरे
मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। मेरा भाई तू मैं खोदता नहीं सिर्फ नहीं 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 वल्गर राइमिंग नहीं सिर्फ दफन करता हूँ। ओ अच्छा, पर दफन करने के लिए खोदना तो पड़ेगा ना कुछ भी, और इसका सेम अपडेटेड वर्जन। मुन्ना झगड़ा नहीं करता, मुन्ना सिर्फ पीटता है। वो धंधे वाली तेरे को याद है जो तेरे को बोलती थी मेरे प्यारे चिकने कुंदन लगाऊंगी तेरे को चंदन। क्या बात है, वहाँ कोई मर रहा है और भाई को चंदन मसाज की पड़ी है। मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे भाई पे आती तो मैं तोड़ देता हूँ। वाह, मैं भी बनाऊंगा। गिलास ना मिले तो जग देते हैं और मूवी के नाम पे। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में बहुत टाइम लगा है, तो अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भाई डायलॉग तो सच में ऐसे बहुत सारे क्रिंजी आते हैं कभी कभी, जो कि लगता है कि क्यों ही आए, या फिर ऐसी सिचुएशन जो लगता है कि आखिर क्या ही है ये ऐसे भी डायलॉग होते हैं क्या, ऐसा फील होता है बहुत सारे मूवीज में। और इसमें जो भी डायलॉग भाई ने लिया है मतलब बेहतरीन है भाई। वो अपने ज़माने के कभी कभी ऐसे डायलॉग है जो कि अपने ज़माने के सुपर डुपर थे, लेकिन अभी अगर हम लोग ये सारे डायलॉग सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिंची टाइप का जो है वो आपको फील होता है। तो अब अगर इनमें से कोई से डायलॉग आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और कोई से ऐसे डायलॉग आपने जो सुने हो कि ऐसा फील होता है तो आप ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।